गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्लास एट चैप्टर एट डाटा हैंडलिंग। और ये डाटा हैंडलिंग लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डाटा हैंडलिंग चैप्टर सेवन के बारे में, जिसमें आपने टेलीमार्क्स निकाला था, फ्रीक्वेंसी निकाली थी, और इसमें हम निकालेंगे बार ग्राफ्स एंड हिस्टोग्राफ। तो सबसे पहले बार ग्राफ की बात करते हैं। बार ग्राफ होता क्या है? बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किस तरह की? इन विच यूजुअली बार्स ऑफ इक्वल ब्रेथ आर ड्रॉन विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम ऑन वन एक्सिस। देखिए, जैसे कि ये मेरी एक्स एक्सिस होती है तो दूसरी मेरी वाई एक्सिस है। ओके, इस पर ऑन वन एक्सिस एक एक्सिस होगी आपकी एक्स एक्सिस, ओके, डिपेक्टिंग द वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स दिए जाएंगे। सपोज कोई भी चीज आप डिनोट करते हो, नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न इन जनवरी फरवरी मार्च, इस तरह से निकालते हैं। जनवरी में कितने हैं, फेब में कितने हैं, ओके, और मार्च में कितने हैं, ये सभी चीजें किसमें कर सकते हैं आप? बार बार में रिप्रेजेंट करते हैं। Depicting the value of the variables are shown on the other axis of height. जो value of variable है, ये, यानी numbers वाली, 20, 40, 60, जो भी आपकी values हैं, ये सभी इसमें represent की जाती हैं, y axis में represent की जाती हैं। Axis height of bar corresponding to the values of variable. Okay, ये तो हो गया आपका bar. अब बात करते हैं किसी डबल बार ग्राफ की। इसमें क्या होता है डबल बार ग्राफ में? इट डिस्प्लेइंग द टू सेट्स, यानी कि डबल बार ग्राफ क्या करता है? डिस्प्ले करता है टू सेट्स ऑफ द डाटा ऑन सेम ग्राफ। दो डाटा होते हैं इसमें, दो साथ में अटैच होते हैं इस तरह से। एक कम होता है, एक बड़ा होता है, इस तरह से अटैच होते हैं ये, जिसमें जिनको कंपेयर करते हैं। द सेम ग्राफ इट इज यूज्ड टू compares two sets of collected data. जो main topic है इसकी exercise करने से ही समझ में आएगा, तो इसके examples करते हैं हम। हाँ, तो बच्चे ये first question है आपके exercise 8.1। तो first question क्या कहता है? The data given below shows the average rainfall in Delhi from June to November. ठीक है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। हम ड्रॉ करना है बार ग्राफ में, किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, जून में हमें देखा था 29, जुलाई 30, अगस्त 40 और सितंबर अक्टूबर नवंबर। अब जैसा कि आपको बताया था कि जो बार आपके वेरिएबल्स हैं वो आपके होंगी एक्स एक्सिस में, राइट? यानी वेरिएबल्स में होता है जून का ये नेम ऑफ मंथ्स, ये आपके इसमें एक्स एक्सिस में आएंगे, और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो आपके आएंगी वाई एक्सिस। और इसमें मैंने गैप लिया 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह से 40। ओके, पहला आपका आता है जून के लिए। तो जून में कितना है? जून में आपको देखो 29 कहाँ है? जस्ट बिफोर 30 से ठीक पहले मैंने कर लिया जून में। जून के लिए आपका कितना है? 29, इस तरह से मैंने सेकंड कर दिया इसे, राइट? आगे आता है जुलाई के लिए। जुलाई में देखो आपको 30 का, और 30 बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे लेना है, 30 जो है आपका, ओके, जुलाई। मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है इसलिए मैंने थोड़ा छोटा किया है, आप एक्सटेंड कर सकते हैं इसे। बार ग्राफ में जो आपके पास ग्राफ पेपर्स हैं उन्हीं में रिप्रेजेंट करना है इनको। अगस्त के लिए 40 दे रखा है, तो 40 पर मैंने इसको ड्रॉ किया अगस्त, और सेप्टेम्बर आपका 25 है, अक्टूबर 20 और नवंबर 15। इस तरह से मेरा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इससे अलग से कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं पूछा है आपसे, कोई क्वेश्चन नहीं है इसके रिगार्डिंग। सिर्फ बार ग्राफ बनाना था, वो हमने इस तरह इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट के जैसा ही है, और थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? द फॉलोइंग टेबल शोज द, किसको शो कर रही है? शोज द, यहाँ पे हमारा एरिया एकर इन विच ए फार्मर ग्रू डिफरेंट वेजिटेबल्स ड्यूरिंग वन सीजन।
एक सीजन में डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स ग्रो करता है वो, तो किस तरह से करता है, लेट अस सेज 5 एकड़ में स्पिंच करता है, 10 एकड़ में वीट रूट, 15 एकड़ कैरेट, 20 एकड़ एंड टोमेटो 30 एकड़। ओके, कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, इनका आपको बोला गया है इनका बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है इनको, इंफॉर्मेशन को इन बार ग्राफ, एंड आल्सो गिव सम आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो हमारा क्या है, हमें बार ग्राफ में किस तरह से करना है, लेट अस कितना है 5, तो मैंने जैसा बोला था आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो आपको किस में रखनी है, एक्स एक्सिस में, और जो आपके नंबर्स हैं वो कहां आएंगे, आपके वाई एक्सिस में, राइट। तो यहाँ पे लेटेस्ट आपका 5 है, 5 10 15 20 इस तरह डिफरेंस रख लिया, तो जो लेटेस्ट है वो कितने आपके 5 है, मैंने 5 ले लिया इसमें। ओके, स्पेंच पर कितना है 10, स्पेंच आपका 10 हो गया, और उसके बाद वेट रूट आपको दे रखा है 15, कैरेट आपने 20 ले लिया, और आपका साथ ही टमेटो कितना हुआ सबसे ज्यादा 30, राइट। इस तरह इनको आपने रिप्रेजेंट कर दिया बार बार। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी एकड़ वर कैरेट प्लांटेड, कैरेट कितने एकड़ में प्लांट किया गया है, आप देख सकते हैं 20 एकड़, कितना है इन, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा 20 एकड़, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आपका क्या है, विच वेजिटेबल वॉज प्लांटेड इन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एकर्स, सबसे कम नंबर में कौन सा है, दिस इज लेटस, तो ये आपका होगा इसका आंसर 5%, यानी 5 एकड़, और वो भी है लेटस, यानी कि 5 एकड़, लिख सकते हो जवाब भी दे सकते हो अपने। हाउ मेनी एकड़ इन ऑल वर प्लांटेड विद वेजिटेबल्स, टोटल कितने एकड़ में इन्होंने वेजिटेबल बो रखी है, 5, 10, 15, 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50 or 30, 80, तो टोटल इनका इनका सम करोगे वो कितना आ रहा है 80 एकड़, आंसर इज 80 एकड़। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एकड़ ऑफ प्लांट लैंड कंटेन कैरेट, कैरेट कितनी आपकी 20 एकड़ में, ये क्या परसेंट है, टोटल कितनी है 80, टोटल आपके पास 80 है, कैरेट कितने में 20 में, क्या परसेंट है कैरेट का, तो क्या करोगे आप, इसका जो आंसर होगा वो होगा इस तरह से, कैरेट कितनी 20, टोटल कितनी आपकी 80 इंटू में 100, कैंसिल आउट 4 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स, जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा 25%, 25% आपका आंसर है इसका। और इसमें एक और है लास्ट में, वो क्या क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एकर्स इन बीटरूट प्लांटेड टू द नंबर ऑफ एकर स्पेंच, बीटरूट और स्पेंच में का रेशियो बताना आपको कितना है, तो बीटरूट कितनी आपके पास 50 और स्पेंच कितनी है 10, फिफ्थ का जो आंसर होगा रेशियो ऑफ बीटरूट टू स्पेंच इक्वल्स टू 15:10, यानी 15/10, दैट इज 5 3s 5 2s, ये आपका रेशियो आएगा 3:2, दिस इज योर आंसर, क्लियर।